दोस्तों, दुनिया का सबसे चर्चित और पुराना टेनिस टूर्नामेंट द चैंपियनशिप विंबलडन सोमवार यानी कि आज से शुरू हो रहा है और ये एक तरह से जलसा है जिसका आनंद लेने के लिए एक सीजन में 5 लाख तक दर्शक पहुंच जाते हैं और ये यूरोप का सबसे बड़ा कैटरिंग इवेंट है। इसमें 2 लाख से ज्यादा मील सर्व किया जाता है, 28,000 किलो स्ट्रॉबेरी और 7,000 लीटर क्रीम खाई जाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विंबलडन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत 1877 में हुई थी और ये दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। 790 खिलाड़ी इस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। 6,000 से ज्यादा लोगों का स्टाफ इस आयोजन को सफल बनाने के लिए काम करता है। 250 बॉल बॉय और गर्ल इस टूर्नामेंट में काम करते हैं और इनकी औसतन उम्र का अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये 15 साल की उम्र तक के होते हैं और ये 2 हफ्ते में ही 15,000 से ज्यादा रुपए इस टूर्नामेंट के दौरान कमा लेते हैं। 5.39 लाख फैंस पहुंचे थे पिछले विंबलडन में और ये इस टूर्नामेंट के इतिहास का एक रिकॉर्ड संख्या थी। 54,250 गेंदें इस्तेमाल होती है इस चैंपियनशिप में। 1986 से येलो गेंद इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल की जाने लगी, उससे पहले सफेद गेंद ही इसमें इस्तेमाल की जाती थी। 3 लाख कप चाय कॉफी सर्व हो जाती है विंबलडन टूर्नामेंट में 14 दिन के अंदर अंदर और 2.34 लाख मील सर्व किया जाता है औसतन पूरी चैंपियनशिप के दौरान। दोस्तों, विंबलडन के टॉप 3 विनिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें सिंगल्स टाइटल में तो अमेरिका ने 90 दफा इस टूर्नामेंट को जीता है, वहीं ब्रिटेन ने 73 दफा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर 26 बार इस ग्रैंड स्लैम को अपने नाम करने में कामयाब रहा है। दोस्तों, जेंटलमैन सिंगल्स टॉप 3 ओपन एरा की अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी रोजर फेडरर ने 8 दफा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है, वहीं 7 बार पीट सैंप्रस जो कि अमेरिका के हैं उन्होंने विंबलडन ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है और नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं उन्होंने 5 बार इस ग्रैंड स्लैम को अपने नाम किया है। दोस्तों, वही लेडीज सिंगल टॉप 3 ओपन एरा की अगर हम बात करें तो अमेरिका की मार्टिना नवरातिलोवा ने 9 दफा ये ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। स्टेफी ग्राफ जो कि जर्मनी की हैं उन्होंने 7 दफा ये ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। वहीं अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने भी 7 बार इस टाइटल को अपने नाम किया है। तो दोस्तों, ये थे विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।